नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर वन सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। दोस्तों, महाराष्ट्र में हुए उपचुनाव में भाजपा एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को लगा तगड़ा झटका। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में उपचुनाव के बाद अगर होंगे विधानसभा चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार? आज 288 सीटों का महा विधानसभा सीटों को लेकर होगी प्रचार, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। ABP न्यूज, टाइम्स नाव और फलौदी सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र की 288 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा ये तो विधानसभा चुनाव के निर्णय के बाद ही पता चल। लेकिन महाराष्ट्र में हुए दो दिन पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने BJP और NCC पार्टी को दिया तगड़ा झटका। BJP के 27 सालों के गठबंधन को किया चूर चूर, 10 लाख वोटों से जीती कांग्रेस पार्टी। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वही आपके क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वहाँ अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। वही दोस्तों, वीडियो में पूछते सवालों का जवाब जरूर दे, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपये तक का इनाम। तो बात करें नासिक कुल 15 सीटों पर, तो यहाँ पे BJP गठबंधन को 6 सीटें और MVA गठबंधन को 9 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बात करें अगली सीट मुंबई जिला की, तो यहाँ पर कुल 26 सीटें है, तो 26 सीटों में BJP गठबंधन को 9 सीटें और MVA गठबंधन को 16 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बात करें अगली सीट नागपुर की कुल 12 सीटों पर, तो 12 में से 4 BJP गठबंधन को और 8 MVA गठबंधन को बताई जा रही है की बार ABP न्यूज सर्वे के अनुसार। तो वहीं दोस्तों, नंसूरबार को कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 सीटों में से BJP और एकनाथ गुट को 1 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। MVP यानी शिवसेना कांग्रेस को 4 सीट। सांगली की कुल 8 सीटों पे बात करें तो BJP और एकनाथ गुट को 4 सीटें और MVA गठबंधन को भी 4 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बात करें अगली सीट अहमदनगर की, तो यहाँ पर कुल 12 सीटें हैं, 12 में से BJP और एकनाथ गुट को 5 सीटें, शिवसेना को 2 सीटें, NCP पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। वही दोस्तों, नासिक की कुल 15 सीटों पर बात करें तो BJP और एकनाथ गुट को 6 सीटें, शिवसेना को 3 सीटें, NCP को 4 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। वही दोस्तों, उस्मानाबाद की कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 में से BJP और एकनाथ गुट को 1 सीट, शिवसेना को 0 सीट, NCP पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वही दोस्तों, वर्धा जिले की कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 में से BJP और एकनाथ गुट को 1 सीट, शिवसेना को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और NCP पार्टी को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। वही दोस्तों, नागपुर की कुल 12 सीटों पर बात करें तो BJP और एकनाथ गुट को 5 सीट, शिवसेना को 2 सीट, NCP पार्टी को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। नांदेड़ की कुल 9 सीटों पे बात करें तो BJP और एकनाथ गुट को 3 सीट, शिवसेना को 1 सीट और NCP को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। वही दोस्तों, बात करें वासीम की कुल 3 सीटों पर, तो तीनों को इस समांतर सीटों का आकलन बताया जा रहा है। BJP को 1 सीट, शिवसेना को 1 सीट और NCP पार्टी को भी 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, नंसूरबार की कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 में से 1 BJP और एकनाथ गुट को 1 सीट और 2 NCP पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को और शिवसेना को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। सांगली की कुल 8 सीटों पे बात करें तो 4 BJP और एकनाथ गुट को, 2 शिवसेना को, 2 NCP पार्टी को और 1 कांग्रेस सीट को हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें रायगढ़ की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से 2 BJP और एकनाथ गुट को, 1 सीट, 1 सीट शिवसेना को, 2 सीट NCP पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट अदर पार्टी को प्राप्त हुई है। अकोला की कुल 5 सीटों पर बात करें तो 1 सीट BJP और एकनाथ गुट को, 1 सीट शिवसेना को, 1 सीट NCP पार्टी को और 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट सिंधुदुर्ग जिला की, तो यहाँ पर कुल 3 सीटें, 3 में से 1 BJP और एकनाथ गुट को, 1 NCP पार्टी को और 1 कांग्रेस पार्टी को बताई जा रही है और शिवसेना को 0 सीटों का आकलन। वहीं दोस्तों, वासीम कुल
कि कुल 3 सीटों पे बात करें तो एकनाथ गुट को 1 सीट, बीजेपी पार्टी को भी 1 सीट, एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है की बात। वहीं दोस्तों बीजेपी और एकनाथ गुट को 1 सीट उस्मानाबाद में, और शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी पार्टी को 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।